Reaction Reels. वेलकम टू रिएक्शन रील्स, दिस इज अहर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखी, लेकिन नाम जो है काफ़ी जाना पहचाना है। वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ अ पुअर मरवारी बॉय बिल्ट अ हल्दीराम्स। हल्दीराम की हिस्ट्री है एक। तो चले गाइज हम वीडियो देखते हैं, वीडियो मैंने अभी तक नहीं देखी हुई, साथ में स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो चले गाइज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 1919, बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना चालू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट्स में उसका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म 1908 में बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके ग्रैंडफादर भुजिया बाजार में अपनी छोटी सी शॉप में भुजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुजिया में बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने हर दिन घंटों मेहनत करके भुजिया मेकिंग प्रोसेस को मास्टर कर लिया और बहुत जल्द अपने ग्रैंडफादर की शॉप में रेगुलरली बैठने लगे। लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर की तरह भुजिया से केवल कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर सेटिस्फाइड नहीं थे, वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते थे। हल्दीराम जो भुजिया बेच रहे थे वो बेसन से बनती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि राजस्थान के लोगों को मोठ की दाल बहुत पसंद है। वहाँ के लोग कई डिशेस में मोठ की दाल यूज करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने भी अपनी भुजिया को बेसन के साथ मोठ की दाल मिला के बनाना चालू कर दिया। उनकी ये नई भुजिया लोगों को काफी डिलीशियस लगी और एक इंस्टेंट हिट बन गई। लेकिन वो यहाँ नहीं रुके, उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी अभी की भुजिया काफी मोटी और सॉफ्ट है, लेकिन अगर वो इसे थिन और क्रिस्पी बना दें तो कस्टमर्स का ईटिंग एक्सपीरियंस काफी सेटिस्फाइंग बन जाएगा। इसे अंजाम देने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने बैटर को पतला बनाना था और साथ में एक ऐसा मेश चाहिए था जिसके होल्स एक स्टैंडर्ड मेश से छोटे हों ताकि उसमें से पतली भुजिया बन सके। उन्होंने मार्केट में कई मेश मेकर्स के साथ लगकर एक परफेक्ट मेश बनवाया और अपने बैटर के कई आइटरेशंस भी ट्राई किए। फाइनली कई महीनों की एक्सपेरिमेंटेशन के बाद उन्होंने एक परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बना ली। इस नई भुजिया ने सेल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया। लेकिन हल्दीराम का इनोवेशन केवल भुजिया की रेसिपी तक लिमिटेड नहीं था, टर्न्स आउट कि हल्दीराम सीक्रेटली एक ब्रांडिंग जीनियस भी थे। मार्केट में ऐसी कई और दुकानें थी जो भुजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर्स के दिमाग में उनकी भुजिया की इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुजिया से कई गुना ज्यादा हो। हल्दीराम को पता था कि महाराजा दंगर सिंह बीकानेर के सबसे पॉपुलर महाराजा रहे थे और लोग उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए हल्दीराम ने अपनी भुजिया का नाम महाराजा दंगर सिंह के नाम पे दंगर सेव रख दिया। महाराजा के नाम से उनकी भुजिया बाकी सभी नॉर्मल भुजिया से डिफरेंशिएट हो गई और उसे एक प्रीमियम पोजीशनिंग भी मिल गई। इस नई ब्रांडिंग के साथ उन्होंने प्राइसेस भी बढ़ा दिए और कस्टमर्स ने उस प्राइस को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने अपने 2 भाइयों के साथ मिलकर बिजनेस को अच्छा खासा एस्टेब्लिश कर लिया था और अब 36 साल की एज में उनकी एक वाइफ और 3 बेटे भी थे। बेहद गरीबी से उठकर आए हल्दीराम के लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी 1944 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। घर की लेडीज के बीच में रिलेशंस बिगड़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि फाइनली हल्दीराम को घर छोड़कर अलग होना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि घर के साथ साथ हल्दीराम को बिजनेस से भी अलग कर दिया गया था। जिस बिजनेस को हल्दीराम ने अपनी जी जान लगा के बनाया था, आज उसी बिजनेस से उन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली और वो रातों रात अपनी फैमिली के साथ सड़क पे आ गए। लेकिन जिम्मेदारियों के चलते उनके पास इमोशनल होने का कोई टाइम नहीं था। हल्दीराम ने जल्द से जल्द अपने आप को संभाला और काम ढूंढने लगे। एक दिन मार्केट में काम ढूंढते वक्त किसी ने उनका नाम पुकारा। जब हल्दीराम ने मुड़कर देखा तो पीछे उनका एक बचपन का दोस्त खड़ा था। उनका ये दोस्त कई सालों बाद बीकानेर लौटा था। हल्दीराम ने उसे अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। सालों पहले हल्दीराम ने 200 रुपए देके अपने इस दोस्त की मदद की थी और फॉर्चुनेटली उसने ये एहसान भूला नहीं था। उसने उसी दिन हल्दीराम को 100 रुपए लौटा दिए।
और यही 100 रुपए हल्दीराम के लिए लाइफ लाइन साबित हुए। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए एक छोटा सा घर रेंट पे लिया और फिर बिजनेस आइडियाज सोचने लगे। उनकी वाइफ चंपा देवी काफी डिलिशियस मूंग दाल बनाती थी और बीकानेर के लोगों के लिए भी मूंग दाल एक स्टेपल डिश थी। फिर क्या, उन्होंने मूंग दाल का बिजनेस करने का फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए पैसों से मूंग दाल, स्पाइसेस और बाकी आइटम्स खरीदे और एक काम चलाओ किचन भी सेटअप कर लिया। वो दोनों अर्ली मॉर्निंग उठकर मूंग दाल प्रिपेयर करते और फिर हल्दीराम पूरे दिन मार्केट में घूम घूम कर लोकल वर्कर्स और ऑफिस गोयर्स को ये डिश बेचने लगे। कुछ ही टाइम में उन्होंने मूंग दाल के साथ अपने ओरिजिनल पैशन यानी भुजिया को भी बेचना शुरू कर दिया। हार्डवर्क, टेस्ट और क्वालिटी के चलते उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बन गया और कुछ ही टाइम में उन्होंने एक छोटी सी शॉप को रेंट पे लेने के पैसे जमा कर लिए। शॉप खोलने के कुछ ही समय में मार्केट में बात फैल गई कि हल्दीराम और उनकी दंगर सेव अब वापस आ चुके हैं। उनकी दुकान में लोगों की लाइन लगने लगी और देखते ही देखते हल्दीराम फिर से लोकल भुजिया किंग बन गए। अगले कुछ सालों में हल्दीराम ने केवल इसी दुकान को ग्रो करने में पूरा फोकस किया, लेकिन फिर 1950s में कुछ ऐसा हुआ जो उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हल्दीराम अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में कोलकाता गए थे। वहां उन्होंने सभी मेहमानों के लिए भुजिया बनाई थी और जब उन्होंने भुजिया खाने के बाद मेहमानों का रिएक्शन देखा तो वो काफी सरप्राइज थे। उन लोगों को भुजिया इतनी पसंद आ रही थी कि वो तारीफ तो कर ही रहे थे, साथ में हल्दीराम को बल्क ऑर्डर्स भी दे रहे थे। हल्दीराम को समझ आ गया था कि कोलकाता में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहां ऐसा कोई बड़ा कॉम्पिटिशन था ही नहीं जो भुजिया बेचता हो। 1955 में हल्दीराम ने अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और अपने सबसे बड़े पोते शिव किशन को कोलकाता में बिजनेस सेटअप करने को भेजा। यहाँ भी उनकी शुरुआत एक छोटे से घर और केवल 8 स्क्वायर फीट की दुकान से हुई। शुरुआत तो स्लो थी, लेकिन इवेंचुअली कोलकाता में भी उनका बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ के कारण ग्रो करने लगा और देखते ही देखते वो दिन की 150 से 200 किलो भुजिया बेचने लगे। ऑल्सो बंगालीज को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वहां के टेस्ट के हिसाब से बंगाली मिक्सचर नाम की नमकीन लॉन्च की जो काफी सक्सेस फुल हो गई। अगले 12 सालों में उनकी शॉप 8 स्क्वायर फीट से बढ़कर 25 स्क्वायर फीट की हो गई और बिजनेस भी हर साल डबल हो रहा था। एक बड़ा शहर होने के कारण कोलकाता ब्रांच का बिजनेस अब बीकानेर ब्रांच से भी बड़ा हो चुका था। 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल्ड थे। उनके बड़े बेटे मूलचंद बीकानेर का बिजनेस संभालते थे। सतीदास ने फैमिली से अलग होकर इंडिपेंडेंट शॉप्स खोल ली थी और रामेश्वर लाल कोलकाता बिजनेस चला रहे थे। इसे देखते हुए हल्दीराम ने बिजनेस से सेमी रिटायरमेंट ले ली और वो केवल कभी कभी बिजनेस को सुपरवाइज करने के लिए विजिट्स करते थे। बिजनेस ऑलरेडी अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हल्दीराम्स की बिजनेस जर्नी में एक सुनहरा चैप्टर साबित होने वाला था। हल्दीराम के सबसे बड़े पोते शिव किशन, जो अभी तक कोलकाता बिजनेस में अपने चाचा के साथ काम कर रहे थे, वो 1968 में नागपुर में हल्दीराम की ब्रांच खोलने का फैसला लेते हैं। नागपुर आके शिव किशन ने देखा कि वहां के लोग बालूशाज, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट्स को बहुत पसंद करते थे। मतलब वहां के लोगों को स्वीट्स तो बहुत पसंद थे, लेकिन अभी तक इन्हें इंडिया के बाकी हिस्सों के स्वीट्स का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए शिव किशन ने नागपुर में भुजिया के साथ साथ अपनी फेवरेट काजू कतली भी बेचना चालू किया। स्टार्टिंग में कस्टमर उसे खरीदने में हेजिटेंट थे, इसलिए शिव किशन अपने कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स ऑफर करने लगे। एक बार टेस्ट करते ही लोग काजू कतली के दीवाने होने लगे और डिमांड स्काई रॉकेट कर गई। इस सक्सेस को देखते हुए शिव किशन ने मलाई लड्डू, रसगुल्ला और रस मलाई जैसे स्वीट्स भी ऑफर करना चालू कर दिए और जाने अनजाने यहीं से शुरुआत हुई थी हल्दीराम्स की इंडियन स्वीट इंडस्ट्री में सबसे बड़े प्लेयर बनने की। 1971 तक नागपुर में हल्दीराम के 2 आउटलेट्स खुल गए थे, लेकिन शिव किशन यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। एक दिन शिव किशन कीर्ति नाम के रेस्टोरेंट में गए जिसने उनकी आंखें खोल दी। वो रेस्टोरेंट केवल डोसा और लस्सी ऑफर करता था और वहाँ हमेशा कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती थी। यहीं से शिव किशन को आइडिया आया हल्दीराम्स को एक शॉप से एक रेस्टोरेंट में बदलने का। मार्केट को समझने पे उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में लोगों को साउथ इंडियन डिशेस जैसे डोसा और इडली बहुत पसंद है। अब वो तो अपने रेस्टोरेंट में बीकानेर के पॉपुलर स्नैक्स जैसे समोसा और कचौड़ी ऑफर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कस्टमर्स को अपने रेस्टोरेंट तक लाना था। इसीलिए उन्होंने शुरुआत उन्हीं डिशेस से करी जिनकी डिमांड थी, यानी डोसा और इडली। शिव किशन ने एक 30-सीटर रेस्टोरेंट खोला और बहुत जल्द उनके रेस्टोरेंट की सारी सीट्स ऑक्यूपाइड रहने लगी। इसे देखते हुए उन्होंने अपनी सीटिंग कैपेसिटी डबल कर दी और मेन्यू में समोसा और कचौड़ी भी ऐड कर दिया। जो कस्टमर्स डोसा और इडली खाने आते थे, शिव किशन उन्हें समोसा और कचौड़ी ट्राई करने को कहते थे और जैसा
जैसा काजू कतली के समय हुआ था सेम वैसा ही अब हुआ। एक बार कस्टमर ने समोसा कचौड़ी टेस्ट कर ली तो उनमें से ज्यादातर लोग उनके रेगुलर कंज्यूमर्स बन गए। अगले कुछ सालों में नागपुर में हल्दीराम्स के मल्टीपल आउटलेट्स खुल चुके थे और इसी के चलते हल्दीराम्स नागपुर में केवल एक भुजिया बिजनेस से बढ़कर एक इंडियन स्नैक्स स्वीट्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में बदल चुका था। 1975 में कोलकाता ब्रांच के रामेश्वर लाल फैमिली बिजनेस स्ट्रक्चर से अलग होके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग रामेश्वर लाल वेस्ट बंगाल से बाहर बिजनेस नहीं करेंगे और मूलचंद और उनके बेटे वेस्ट बंगाल में एंट्री नहीं लेंगे। इस समय तक हल्दीराम्स की नागपुर ब्रांच बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शिव किशन के दिमाग में इससे भी बड़े प्लान्स थे। वो एक ऐसे शहर में एक्सपेंड करना चाहते थे जो हल्दीराम्स को एक नेशनल लेवल ब्रांड बना देने वाला था, और वो शहर था भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक्सपेंड करने के लिए शिव किशन ने अपने छोटे भाई मनोहर लाल को चुना। मनोहर लाल तब तक बीकानेर बिजनेस में काम कर रहे थे और शिव किशन को उनमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा था। 1982 में मनोहर लाल अपने छोटे भाई मधुसूदन के साथ दिल्ली आए और वहां देखा कि चांदनी चौक फेमस स्नैक्स वेंडर से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कंपटीशन कभी नहीं देखा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि कंपटीशन के साथ साथ वहां डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। मनोहर लाल ने शिव किशन की हेल्प से अपनी शॉप के लिए जगह खरीदी और 1983 में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अगले एक साल तक दिन रात एक करके उन्होंने मार्केट में अपनी रेपुटेशन बिल्ड की और ब्रेक इवन करने लगे कि तभी उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। 1984 के भयानक एंटी सिख रायट्स ने दिल्ली को झुलसा दिया था और इसी दौरान मनोहर लाल की वर्कशॉप और घर भी जल गया। अगले 2 महीने तक हल्दीराम्स का दिल्ली का बिजनेस जीरो पे आ चुका था, लेकिन मनोहर लाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागपुर और बीकानेर से फाइनेंशियल हेल्प ली और दिल्ली में एक नई 300 स्क्वायर फीट की वर्कशॉप अक्वायर की और बिजनेस को रीस्टार्ट किया। उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड की थी वो बहुत काम आई और बिजनेस वापस पिकअप करने लगा। अगले कुछ सालों में उन्होंने न केवल अपनी करंट वर्कशॉप को एक्सपेंड किया बल्कि एक 2000 स्क्वायर फीट की नई फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश की और नए आउटलेट्स भी खोले। बिजनेस लगातार ग्रो हो रहा था, लेकिन इन सब के बाद भी हल्दीराम्स एक मीडियम साइज्ड लोकल बिजनेस ही था। पर शिव किशन और मनोहर लाल चाहते थे कि हल्दीराम्स एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बने, इंडिया के हर घर के लोग उनके प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें। उन्होंने देखा कि लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले जैसी ब्रांड्स ने इंडिया में कन्वीनियंस फूड्स बेचना चालू कर दिए हैं, बेसिकली पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड। लेकिन हल्दीराम ने यहाँ एक बहुत बड़ा गैप स्पॉट किया। ये सभी फॉरेन ब्रांड्स इंडियंस को वेस्टर्न कल्चर का पैकेज्ड फूड मार्केट करने में हजारों करोड़ों लगा रहे थे, लेकिन उस समय कोई भी ब्रांड इंडियन स्नैक्स को लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाली पैकेजिंग में नहीं बेच रहा था। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हल्दीराम्स ने सबसे पहले अपनी बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स को नाइट्रोजन पैकेजिंग में बेचना चालू किया, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक पहुंच गई। इस नई पैकेजिंग के कारण हल्दीराम्स का बिजनेस अब नागपुर या दिल्ली तक लिमिटेड नहीं था। अब इंडिया के छोटे से छोटे शहर में हल्दीराम्स की भुजिया खरीद सकते थे। लॉन्च के बाद कस्टमर्स ने इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और इसीलिए हल्दीराम्स ने अपने पैकेज्ड फूड सेगमेंट में रसगुल्ला, सोन पापड़ी, पिकल्स, कचौड़ी और इवन भेल पूड़ी में डाइवर्सिफाई किया। देखते ही देखते हल्दीराम्स ने 400 से ज्यादा पैकेज्ड फूड आइटम्स बेचना चालू कर दिए। अलग अलग परचेजिंग पावर वाले कंज्यूमर्स को टारगेट करने के लिए इन्होंने अलग अलग पैक साइजेस में अपने प्रोडक्ट्स ऑफर किए। जैसे इनके कई प्रोडक्ट्स का छोटा पैक केवल 5 रुपए में मिल जाता है और बड़े पैक्स 200 रुपए प्लस तक जाते हैं। ऑल्सो इन्हें पता था कि स्नैक्स एक इम्पल्सिव परचेज होते हैं, इसलिए हल्दीराम्स ने कलर साइकोलॉजी का यूज करके अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बनाया। और फाइनली इंडिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए हल्दीराम्स ने 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और लाखों रिटेलर्स को ऑनबोर्ड किया। इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में लोग हल्दीराम के स्नैक्स खाते हैं और इवन US, सिंगापुर और UK जैसे 80 से ज्यादा देशों में हल्दीराम्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्नैक्स ब्रांड है। करीब 100 साल पहले हल्दीराम्स की शुरुआत भुजिया को 2 पैसों में बेच के हुई थी और आज उसी हल्दीराम्स ने 9,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। हल्दीराम्स की कहानी ये प्रूफ करती है कि कस्टमर्स को डिलाइट करके, लगातार प्रोडक्ट्स को इनोवेट करके और समय के साथ खुद को बदल के कितना भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, चाहे शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो, हाउ अ पुअर मारवाड़ी बॉय बिल्ट हल्दीराम। बड़ी इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है और इनका बिजनेस जर्नी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक।
हल्दीराम फर्स्ट टाइम इसको मैंने सुना था मोशी भाई के व्लॉग में, उन्होंने हल्दीराम विजिट किया था फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में मैंने सुना था, और उसके बाद काफ़ी जो है कि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह से भी मुझे काफ़ी आइडिया हो गया। फिर मैंने इसके बारे में और सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये भारत की ये बहुत बड़ी एक ब्रांड है और काफ़ी जो है ये वहाँ पर मशहूर है, और वहाँ पर ये जब गए थे तो वहाँ पर जाके इन्होंने वहाँ का आई थिंक डोसा वगैरह ट्राई किया था, और इस तरह की दो तीन चीज़ें आई थिंक छोले कुलचे भी थे उसमें, वो भी इन्होंने ट्राई किए थे। मतलब कि वहाँ पे ये चीज़ें भी मिलती हैं, और दिल्ली की काफ़ी बड़ी ब्रांच थी वो। और बिज़नेस जर्नी की इनकी बात की जाए तो जैसे इन्होंने स्ट्रगल किया हल्दीराम ने स्टार्टिंग से ही, और बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं, और उसके बाद भी जो है उनकी आने वाली जो नस्लें हैं उन्होंने भी इस बिज़नेस को काफ़ी जो है ऊपर तक लेके गए हैं, और अपने इस बिज़नेस को अभी तक मेंटेन रखा है। हालांकि उनके साथ भी काफ़ी ट्रेजिडीज़ होती रही हैं, और उसके बाद लेके जो अब मौजूदा जो हल्दीराम है एक बहुत बड़ा बिज़नेस बन चुका है, और भारत के जो है हर कोने में हर इलाके में हर जगह पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और हल्दीराम में जस्ट इन्होंने बताया कि भुजिया से इन्होंने स्टार्ट लिया था, भुजिया आई थिंक यहाँ पे हम लोग उसको निमको के नाम से बोलते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक उसमें बेसन की छोटी वाली सवैया टाइप एक वो होती है जिसको क्रंची किया जाता है, और उसके बाद उसमें ऐड किया जाता है, उसके बाद इन्होंने बोला मूंग की दाल इसमें डाली जाती है, और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं इसमें ऐड की जाती हैं, वो पाकिस्तान में भी जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसकी शुरुआत आई थिंक हल्दीराम ने की है, या इसकी शुरुआत पहले से ही थी अब इस चीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बाप दादा जो थे ये काम करते रहे हैं, और उन्होंने जो है स्टार्टिंग वहाँ से लिया था, क्योंकि वो भी अपना एक काम करते थे लेकिन जस्ट एक काम की हद तक उन्होंने रखा, लेकिन हल्दीराम ने इसको एज अ बिज़नेस लिया और इसको इतना स्प्रेड किया कि जो हल्दीराम है आज एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का रिएक्शन वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।